नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अगस्त महीना चल रहा है। अमूमन जुलाई अगस्त ही वह महीना होता है जो बिहार के 38 जिलों में से करीब 28 जिलों के कई हिस्सों को जलमग्न कर देता है। आज भी वही हालात बने हैं और बाढ़ की कहानी हर साल की तरह इस बार भी शुरू है। बाढ़ हालांकि एक प्राकृतिक आपदा है, मगर इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आज तक भी बाढ़ से निपटने के कारगर तरीके नहीं मिल पाए हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चलाती है। सरकारी राहत केंद्रों को ऊंचे इलाकों में बनाए जाते हैं। इन राहत शिविरों में ठहरने की व्यवस्था तो होती ही है, साथ ही सुबह शाम खाने की व्यवस्था, दवाई व इलाज की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए दूध, पशुओं के लिए चारा आदि की व्यवस्था होती है। हालांकि इस दौरान अगर कोई महिला गर्भवती हो तो उन्हें खासकर कई समस्याएं झेलनी पड़ती है। इनकी समस्याओं को समझते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक राहत शिविरों में बच्चे का जन्म होने पर उस मां को अलग से आर्थिक मदद मिलेगी। इसके तहत राहत शिविर में लड़के का जन्म होता है तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं बेटी के जन्म होने पर 15,000 रुपए उसकी मां को दिए जाएंगे। साथ ही साथ शिविर में गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भी सरकार राहत के तौर पर रुपए दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से बाढ़ से प्रभावित हर एक परिवार को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लाभुकों को राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के लिए जरूरी चीजों के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही अगर लोगों के किसी तरह की परेशानी हो तो उसकी भी शिकायत को कर सकते हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हवाई सर्वेक्षण के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे खुद भी कई राहत केंद्रों में बटने वाले खाना का निरीक्षण कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि साल 2007 से ही आपदा प्रबंधन के लिए काम शुरू किया गया है। 2016 में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा था, इस बार उसकी तुलना में कम बढ़ा है। आपको बताते चले कि असम, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में भी हर साल बाढ़ के मंजर दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर हालात बिहार में ही है। यहाँ करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की विभीषिका हर साल झेलती है। खासकर बिहार के उत्तरी हिस्से में बसे जिलों में इसका ज्यादा खतरा बन जाता है, क्योंकि यह एरिया नेपाल से सटा है और हिमालय में बसे होने के कारण नेपाल के ढलान से पानी हर साल तेज रफ्तार में बिहार में प्रवेश कर जाता है। जल प्रलय को तमाम उपायों के बाद भी नहीं रोका जा सकता है। यही कारण है कि कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखनदेई, अधवारा, फल्गु आदि नदियां खुशहाली कम और तबाही ज्यादा ले आती है। अब तो यह हर साल की कहानी हो गई है, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हर साल प्रयास भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।